हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के क्लास फोर को देखते हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग फंगी के बारे में, कवक के बारे में, जो हमारे किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आपको इससे होने वाले रोग, इसके कुछ प्रकार जैसे खास करके पेनिसिलिन, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एग्ज़ाम में काफ़ी गहराई से पूछा जाता है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जिस जगत के बारे में या जिस ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे, वो ग्रुप कौन सा था? वो ग्रुप था थैलोफाइटा। इस ग्रुप में क्या था? इस जगत के जितने भी जीव थे, समों का शरीर किस रूप में था या कैसा था? समों का शरीर थैलस के रूप में था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शुकाय। क्या कहते हैं? शुकाय। तो ये तो क्लियर हो गया कि कवक किस जगत में आएंगे। ये जिस जगत में आएंगे उसका नाम होगा थैलोफाइटा। जी हाँ, उस जगत का नाम क्या होगा? थैलोफाइटा। अब आपको यदि यही पूछ दे कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसके अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। जी हाँ, अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। किसका अध्ययन होगा? ये कवक का अध्ययन। लेकिन आधुनिक मत के अनुसार इसी के अध्ययन को एक नाम और दिया गया है, जिसे कहते हैं माइसेटोलॉजी। क्या कहेंगे? माइसेटोलॉजी। तो कवक का अध्ययन हमारा दो हो गया, एक हो गया माइकोलॉजी और दूसरा हो गया माइसेटोलॉजी। कभी कभी क्या करता है कि पादप में होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कभी कभी आपको ये भी पूछ देता है, तो याद रखना है, उसे कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी। जी हाँ, क्या कहेंगे? प्लांट पैथोलॉजी। तो पहला चीज हमने देखा कि ये किस जगत में आते हैं, तो थैलोफाइटा जगत में आते हैं। इनका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी या माइसेटोलॉजी कहलाता है। और पादप रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अब इसके बाद तो मैंने आपको बताया कि इससे उत्पन्न होने वाले रोग क्या कहलाते हैं, वो प्लांट पैथोलॉजी कहलाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस ग्रुप में है? थैलोफाइटा ग्रुप में है। तो थैलोफाइटा में ग्रुप में होने का मतलब ही हो गया कि इनका शरीर किस रूप में होगा? थैलस के रूप में होगा। जी हाँ, शरीर किस रूप में होगा? थैलस के रूप में होगा, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में शुकाय कहेंगे। क्या कहेंगे? हिंदी में शुकाय कहेंगे। शुकाय का अर्थ ये है कि इनमें संवहन उत्तक, जड़, तना, पत्ती, ये सभी कुछ भी विभाजित नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? विभाजित नहीं होंगे। किसमें? कवक में। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं, या हिंदी में शुकाय कहते हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है कि कवक में क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? पर्णहरित नहीं पाया जाता। अब देखिए, सिंपल सी बात है, यदि पर्णहरित नहीं है तो इसका मतलब ये अपना भोजन खुद तो बनाते नहीं होंगे, तो क्या करते हैं? ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इसका अर्थ हो गया कि कवक कैसे होते हैं? कवक परजीवी होते हैं। जी हाँ, कवक कैसे होते हैं? कवक परजीवी होते हैं। परजीवी में भी देखिए, परजीवी का अर्थ होता है पैरासाइट। क्या होता है? पैरासाइट। लेकिन ये क्या करते हैं? ये ना तीन प्रकार के गुण को आपको साधारण तौर पर दर्शाते हैं। एक होगा परजीवी, दूसरा होगा सहजीवी, और तीसरा होगा मृतोपजीवी। ये इस तीन प्रकार के गुण को दर्शाते हैं। कौन? कवक। देखिए, परजीवी को कहते हैं पैरासाइट। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जब कवक किसी दूसरे जीवित पदार्थ पर आश्रित हो, किस पर आश्रित हो? जीवित पदार्थ पर आश्रित हो। जैसे आप देख लीजिए, गांव घर में देखते होंगे कि बरगद के पेड़ पर
या पीपल के पेड़ पर या खजूर के पेड़ पर कोई और एक पेड़ उगाता है, तो पेड़ तो सजीव था, जीवित था, मरा तो नहीं था, जिंदा अवस्था में था, और उस पर दूसरा पेड़ आ गया, तो वो जो पेड़ है वो उस पेड़ पर आश्रित हो गया, तो उसे क्या कहे? परजीवी। जहाँ एक जीव दूसरे जीवित जीव पर आश्रित होते हैं वो क्या कहलाता है? वो परजीवी कहलाता है। दूसरा है सहजीवी, जिसे कहते हैं सिम्बायोटिक। क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक। जब क्या होता है, जब दो जीव एक साथ मिलकर रहते हैं, दोनों को एक दूसरे पर आश्रित होना होता है, दो में से यदि कोई एक अलग हो जाए तो दोनों मर जाएंगे, वही क्या है? वो सिम्बायोटिक है, जिसे हम लोग सहजीवी कहते हैं। और कवक जो ये गुण दर्शाता है ना, कवक का ये गुण कहलाता है कवक मूल। ठीक है, कवक का ये गुण क्या कहलाता है? कवक मूल कहलाता है। ये आईएएस का पूछा गया क्वेश्चन है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइकोराइजा। ठीक है, तो कवक कौन सा गुण दर्शाया? सिम्बायोटिक का, सहजीवी का। अब आ जाता है मृतोपजीवी, जिसे कहते हैं सैप्रोफाइट्स। अब मृतोपजीवी क्या है? जहां क्या होगा, मृत पदार्थ पर उगेगा। किस पर उगेगा? मृत पदार्थ पर उगेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे मृतोपजीवी कहेंगे। जो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों पर होगा उसे क्या कहेंगे? मृतोपजीवी कहेंगे। तो इन चीजों को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि ये जो कवक हैं, ये ज्यादातर, ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा ही होता है, ज्यादातर कवक मरे गले या सड़े पदार्थ पर उगते हैं। ये ज्यादातर बात हो रही है, साधारण तौर पर ये बात हो रही है, क्योंकि देखिए कवक तीन प्रकार के गुण दर्शाए, पैरासाइटिक भी हैं, सिम्बायोटिक भी हैं, सेप्रोफाइटिक भी हैं। कहने का अर्थ परजीवी भी हैं, सहजीवी भी हैं और मृतोपजीवी भी हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कवक होते हैं वो कैसे होते हैं? वो मृतोपजीवी होते हैं, जो सड़े गले मरे पदार्थों पर उगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए याद कीजिए, आपने देखा होगा गाँव घर में जिसे व्यापारिक तौर पर उगाया जाता है तो मशरूम कहते हैं, और गाँव घर में यदि ये हो जाता है, जिसे हम लोग गोबर छत्ता कहते हैं, जो गोबर पर उगता है, या पुआल के सड़ने पर उगता है, या पेड़ की छाल यदि सड़ जाए तो उस पर बारिश के महीनों में उग जाता है, तो ये सभी क्या है? इंग्लिश में नाम देखेंगे तो एग्रिकस, मोरकेला, छत्रक और गुच्छक, ये हिंदी में नाम है। ठीक है, एग्रिकस और मोरकेला, तो ये सभी एक साधारण तौर पर समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। मशरूम, तो ये सभी क्या है? ये सभी कवक के उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो बात थी कवक के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं। अब बात आगे करते हैं हम लोग कि ये जो कवक होते हैं ये किनके बने होते हैं। नीचे दिख रहा है ना? ठीक है, ये जो कवक हैं इनका जो निर्माण होता है, या यूं कहें कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेलवाल होता है, कोशिका भित्ति या सेलवाल, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, और कहीं कहीं ये काइटिन की भी बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और काइटिन की बनी होती है, जबकि सैवाल केवल और केवल सेल्यूलोज से बने होते हैं। याद रखना है, सैवाल केवल और केवल सेल्यूलोज से बने होते हैं, जबकि कवक सेल्यूलोज और काइटिन इन दोनों के बने होते हैं। सैवाल में भोजन स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में जमा होता है, और जबकि इसमें भोजन, चलिए यहीं लिख देते हैं, जबकि इसमें भोजन, यहां दिख रहा है ना? ठीक है, इसमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। किसमें? कवक में। तो ये थी कवक की कुछ विशेषताएं। इसके अलावा यदि बात करें तो होता क्या है, कवक की अब आएगी संरचना, इनकी रचना कैसी होती है, एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं, किस प्रकार के जनन को करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक एक बार दोहरा देते हैं। कवक के बारे में हमने देखा कि इनका जगत क्या है, थैलोफाइटा है, और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। और यही यदि इनके आधुनिक अध्ययन की बात करें तो वो क्या कहला जाएगा, माइसेटोलॉजी। अब यही एक सवाल है कि कवक विज्ञान के जनक, किसके जनक? कवक विज्ञान के जनक, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछ दे, इनका नाम था एंटोनियो मिचेली।
एंटोनियो मिचेली। और यही यदि थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन कर दे, कह दे भारतीय कवक विज्ञान के जनक, जी हाँ किसके जनक, भारतीय कवक विज्ञान के जनक, तो वो हो जाएंगे जे बटलर। ठीक है, यदि आपको पूछे कवक विज्ञान का जनक तो वो होंगे एंटोनियो मिचेली। यदि पूछ दे कि नहीं केवल भारतीय कवक विज्ञान का जनक, तो भारतीय कवक विज्ञान के जनक हो जाएंगे जे बटलर। नामों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो बात कर रहे थे कवक किस जगत में आ गए, थैलोफाइटा जगत में आ गए। इनका अध्ययन क्या हो गया, माइकोलॉजी या माइसेटोलॉजी हो गया। पादप रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। इनका शरीर किस रूप में होगा, थैलस के रूप में होगा, अर्थात संवहन उत्तक, जड़, तना, पत्ती, ये सभी विभाजित, कहने का अर्थ अलग अलग बटे हुए नहीं होंगे। कवक में क्या नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसका अर्थ ये है कि ये अपना भोजन नहीं बना सकते, ये स्वपोषी नहीं होते। लेकिन फिर भी एक बात आपको बता दूं, कवक में कुछ कुछ कवक में रंग होता है। कुछ कवक ऐसे हैं जो रंग के कारण उन्हें नाम दिया गया, काला फफूंद, हरा फफूंद, गुलाबी फफूंद, तो आगे बताएंगे उसके बारे में आपको। ठीक है, तो कवक कैसे हो गए, परजीवी हो गए। परजीवी में किस प्रकार, कितने प्रकार के गुण दर्शाते हैं, तीन प्रकार के, एक परजीवी, एक सहजीवी और एक मृतोपजीवी। परजीवी का अर्थ क्या हो गया, जहां दूसरे जीवित पर आश्रित हो, परजीवी। सहजीवी जहां दो लोग आपस में मिलकर जी रहे हो, सहजीवी। और यही गुण क्या कहलाता है, इसका कवक मूल कहलाता है, इंग्लिश में माइकोराइजा कहते हैं। और यही यदि मृतोपजीवी हो तो सैप्रोफाइट्स, इसका अर्थ क्या हो गया, वो मृत पदार्थों पर होगा। इन तीनों में सबसे ज्यादातर जो कवक पाए जाते हैं वो कवक कैसे होते हैं, वो मरे गले या सड़े पदार्थों पर उगते हैं, जैसे मशरूम सबसे बेहतर उदाहरण है इसका। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कवक के संरचना की, कि आखिर कवकों की रचना कैसी होती है। तो ये जो कवक होते हैं ये सरल एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जी हाँ, ये कैसे होते हैं, ये सरल एक कोशिकीय होते हैं जिनका शरीर सेल्युलोज और काइटिन का बना होता है। देखिए, कवक का जो काइटिन है, जो पादप काइटिन है, वो जंतु काइटिन से भिन्न होता है, क्योंकि इसका जो काइटिन है, इसके काइटिन में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि सभी मौजूद होते हैं, सभी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, पादप काइटिन में। पादप काइटिन का अर्थ क्या है, किसमें पाया जाएगा, ये सबका सब चीज कवक में पाया जाएगा। इनकी जो रचना होती है काफी पतली एक तरह की जाल से होती है, और ये जाल किनका बना होता है, कवक सूत्रों का बना होता है, और इन्हीं कवक सूत्रों के समूह को कवक जाल कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। तो कवक जाल क्या है, कवक सूत्रों का समूह है। ये कवक सूत्र क्या है, ये कवक सूत्र पतले धागे जैसी रचना है जिसके द्वारा कवक का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए फिर से एक बार बता दें, कवक सूत्र और कवक जाल क्या है। जो कवक का निर्माण होता है, पतले धागे जैसी रचना होती है, उन्हीं रचनाओं को कवक सूत्र कहते हैं। वही कवक सूत्र जब समूह में मिलकर किसी कवक का निर्माण करते हैं तो उसे ही हम कवक जाल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो कवक हैं, पहले ही बता चुके हैं कि ये मृत पदार्थ सड़े गले वस्तु पर ज्यादातर या साधारण तौर पर उगते हैं। ऐसा नहीं कि वही होगा, लेकिन ज्यादातर कहाँ, उन्हीं जगहों पर, वैसे ही जगहों पर होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको भी बताए, काला फफूंद, नीला फफूंद, नीला या हरा फफूंद कहते हैं,
गुलाबी फफूंद, ये सब क्या है? कुछ कवक ऐसे हैं कि जिनमें कुछ विशेष रंग पाया गया, इसी कारण उसका नाम अलग कर दिया गया। जैसे काला फफूंद जिसे कहते हैं ना, उसका नाम है म्यूकर। जी हाँ, म्यूकर को हम लोग क्या कहते हैं? काला फफूंद कहते हैं। किसे कहते हैं काला फफूंद? म्यूकर को। इसके अलावे एक और है एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर ये देखने में कैसा दिखता है? काला दिखता है, इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी कारण इसे काला फफूंद कहते हैं। अब जो नीला या हरा फफूंद है, ये है पेनिसिलियम। नाम सुना होगा आपने पेनिसिलियम का। आगे हम लोग पेनिसिलियम की चर्चा करेंगे, काफी महत्वपूर्ण है ये कवक। कौन सा कवक? पेनिसिलियम कवक। अब ये तो हो गया नीला या हरा। अब बात करेंगे गुलाबी की, तो गुलाबी जो होता है उसका नाम है न्यूरोस्पोरा। जी हाँ, क्या नाम है? न्यूरोस्पोरा। ये गुलाबी और लाल रंग का होता है। तो ये कुछ विशेष प्रकार के रंग वाले कवक होते हैं, काला फफूंद, नीला या हरा फफूंद, गुलाबी या लाल फफूंद। काला कौन कौन होगा? म्यूकर होगा, एस्परजिलस नाइजर होगा। नीला या हरा कौन होगा? पेनिसिलियम होगा। गुलाबी या लाल कौन होगा? वो न्यूरोस्पोरा होगा। ठीक है, तो ये थी कवकों की संरचना या इनके कुछ विशेष गुण। अब एक चीज और इसमें बता दें, इनके प्रजनन की बात कर ले हम लोग, कि इनमें प्रजनन कैसा प्रजनन होता है, किन में? कवक में। तो कवकों में तीन प्रकार के प्रजनन होते हैं। एक होता है वर्धी प्रजनन, दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन, और तीसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। आपको याद रखना है कि इन प्रजनन में बीजाणुओं के द्वारा होता है ये प्रजनन। किसके द्वारा? बीजाणुओं के द्वारा, और बीजाणुओं की सहायता से लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ये वर्धी प्रजनन, आप कहेंगे सर ये वर्धी प्रजनन क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा मुकुलन, विभाजन, विखंडन। जैसे मान लिया जाए अमीबा, ठीक है, अमीबा में क्या होता है? विभाजन होता है, बढ़ जाती है अमीबा, केंद्रक से कट जाती है अमीबा। जैसे हाइड्रा पढ़ा होगा आपने, हाइड्रा में मुकुलन होता है, कहीं से भी निकल जाता है। ये एक प्रकार का वेजिटेशन प्रोसेस है, इसे वर्धी विधि कहते हैं। तो इन विधि के द्वारा प्रजनन होता है, किसमें? कवक में। ठीक है, तो ये थी कवक की संरचना। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, ये कैसे होते हैं? एक सरल एक कोशिकीय पादप होते हैं। कौन? कवक। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है। और इनकी जो काइटिन होती है, जो पादप काइटिन है, जंतु काइटिन से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। कवकों का निर्माण पतली जाल जैसी रचना से होता है, इसे कवक सूत्र कहते हैं। और यही कवक सूत्र यदि आपस में मिलकर बड़ी संख्या बना दें तो इन्हें ही कवक जाल कहा जाता है। कवक सूत्र से क्या बनता है? कवक जाल बनता है। कवक साधारण तौर पर मरे हुए सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। कुछ विशेष रंग वाले कवक हैं, काला जैसे म्यूकर, एस्परजिलस, नीला और हरा कहा जाता है पेनिसिलियम को, गुलाबी और लाल कहा जाता है न्यूरोस्पोरा को। इनमें प्रजनन की तीन विधियां हैं, वर्धी प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। तो वर्धी के तीन प्रकार होते हैं, मुकुलन, विभाजन और विखंडन। जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे, जब कोशिका पढ़ेंगे ना बायो में आगे, तो वहां हम लोग इस तीनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबों का? अब आगे हम लोग देखेंगे कवक का आर्थिक महत्व हमारे लिए क्या है, ये फायदेमंद है या हानिकारक है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग कवक के आर्थिक महत्व की, कि कवक हमारे लिए फायदेमंद किस तरह होता है। जैसे नाम सुना होगा आपने छत्रक का, नाम सुना होगा आपने गुच्छक का, या नाम सुना होगा आपने मशरूम का। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी खाए जाते हैं। ये सभी किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? भोजन में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें प्रयोग किए जाते हैं? सभी के सभी भोजन में प्रयोग किए जाते हैं। छत्रक का इंग्लिश होता है एग्रिकस, गुच्छक का होता है मोरकेला। तो यही छत्रक हमारा क्या कहलाता है? मशरूम कहलाता है। इन सबों का उपयोग किस में करते हैं? हम लोग खाने में करते हैं। देखिए मशरूम में एक
प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, इसे कहते हैं लेंटिनस। ये क्या करता है, शरीर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, जिससे मनुष्य का हृदय स्वस्थ रहता है और उसे हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती है। तो हृदय को स्वस्थ रखने में सहायता करता है कौन, मशरूम। इसलिए मानवों को मशरूम का सेवन करना चाहिए, मशरूम खाना चाहिए, और ये व्यापारिक तौर पर उगाए भी जाते हैं। क्या उगाए जाते हैं, मशरूम। तो ये हो गया भोजन में। चलिए दूसरा बात करते हैं हम उद्योग में। जैसे उद्योग में सबसे पहला उद्योग है पनीर उद्योग। जी हाँ, कौन सा उद्योग, पनीर उद्योग। पनीर उद्योग में कहने का अर्थ है पनीर के निर्माण में हम लोग जिस कवक का प्रयोग करते हैं उसका नाम है एस्परजिलस। जी हाँ, क्या नाम है, एस्परजिलस। और एक है जिसका नाम है पेनिशिलियम कोमोम्बर्टी। ठीक है, व्यापारिक तौर पर इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किस उद्योग में, पनीर उद्योग में। इससे क्या होता है कि जो पनीर होता है वो ज्यादा स्पंजी होता है, मुलायम होता है। जैसे आपने सुना होगा डबल रोटी, कि बेकरी में डबल रोटी बनाई जाती है, पाव रोटी भी कहते हैं, तो उसे बनाने में सैक्रोमाइसीज, शेरेमेसी नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसीज, सेरेमेसी या सेरेविसी भी कहीं मिलता है, का प्रयोग किया जाता है। क्या बनाने में, डबल रोटी बनाने में। क्या बनाने में, डबल रोटी। होता क्या, डबल रोटी की छोटी छोटी गोलियां होती है, काफी फूल जाती है इस कवक के कारण, और वो स्पंजी होता है, खाने में काफी अच्छा लगता है। इसके अलावे हम लोग कह सकते हैं अल्कोहल उद्योग में। किस उद्योग में, अल्कोहल उद्योग में। होता क्या है कि फर्मेंटेशन, हिंदी में कहते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा जो पदार्थ होते हैं उनमें इथाइल अल्कोहल की मात्रा आ जाती है। जी हाँ, किस अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल की। और यही कहते हैं हम लोग किस उद्योग में, शराब उद्योग में। अब बात आती है किस कवक का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ प्रयोग करते हैं यीस्ट का, जिसे हिंदी में खमीर कहते हैं, और ये प्रक्रिया यीस्टरीकरण कहलाती है, जिसे खमीरीकरण कहते हैं। जी हाँ, उसे हम क्या कहते हैं, खमीरीकरण कहते हैं। तो किसकी सहायता से, खमीर की सहायता से। कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है आपको कि अल्कोहल उद्योग में किसका प्रयोग करते हैं या खमीर क्या है, सीधा क्वेश्चन पूछता है खमीर क्या है, कवक है। यीस्ट क्या है, कवक है। आपको इसका इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखना होगा, क्योंकि हिंदी में भी क्या करता है ना, यीस्ट लिख कर दे देता है, तो ये आपको याद रखना काफी जरूरी है। अब देखिए होता क्या है, प्रक्रिया आपको बता देते हैं। जैसे हम लोग मान लिया जाए लेते हैं ग्लूकोज, कौन सा, वैसा जिसमें जाइमेज एंजाइम उपस्थित हो। कौन सा एंजाइम उपस्थित हो, जाइमेज एंजाइम उपस्थित हो, और इसमें हमने क्या डाल दिया, यीस्ट डाल दिया। क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल का मतलब हो गया C2H5OH। क्या बना, C2H5OH, और साथ में क्या मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, हमारा क्या बन जाता है, यहाँ C2H5OH बन जाता है, जिसे हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरह अल्कोहल उद्योग में प्रयोग किया जाता है, किसका, कवक का। अब आप कहेंगे कि सर अल्कोहल उद्योग में किस किस अल्कोहल को बनाते हैं, आपने नाम सुना होगा बियर, रम, विस्की, शराब, ये सभी किससे बनाए जाते हैं, ये सभी के सभी कवक की सहायता से। किस कवक की सहायता से, खमीर कवक की सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इधर, ठीक। चलिए इसके अलावे कई प्रकार के अम्लों का निर्माण भी किया जाता है। किसकी सहायता से करते हैं, कवक की सहायता से। देखिए आपको ये याद रख लीजिए कि किस क्या बनाते हैं, तो अम्ल बनाते हैं, यही पर्याप्त है, ये इतना भी जल्दी आपको पूछता नहीं है। किस कवक के द्वारा, ये तो कभी आज तक पूछा भी नहीं और उम्मीद नहीं है कि ये सभी इतना डीप क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, तो इसकी सहायता से अम्ल बनाए जाते हैं। कौन से अम्ल, गैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल,
फिर आपका ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल इत्यादि, किसकी सहायता से? कवक की सहायता से। इतना ही नहीं, फैट में भी, फैट के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, फैट में भी यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कवक का यूज किया जाता है। तो ये थे इसके आर्थिक महत्व, किसके? कवक के। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत फायदे हैं इसके, भूमि में, कीटाणु नियंत्रण में, रोग नियंत्रण में, यहां तक कि ये हानिकारक भी है, ये रोगों को भी फैलाता है। ठीक है, देखिए तो आर्थिक महत्व के बाद फिर से देख लें तो छत्रक का नाम क्या है? एग्रिकस, पूछा है कई बार। गुच्छक का नाम क्या है? मोरकेला। मशरूम में क्या पाया जाता है? लेंटिनस नामक पदार्थ पाया जाता है, जो क्या नियंत्रण करता है? कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण करता है। पनीर किससे बनाते हैं? एस्परजिलस से, पेनिसिलियम कोमोम मल्टी से। डबल रोटी में क्या देते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेमेसी या सेरेविशी देते हैं। अल्कोहल किसके द्वारा बनता है? खमीर के द्वारा। किस प्रक्रिया से? फर्मेंटेशन से। उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? खमीरीकरण कहते हैं। इसके बाद क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। बियर, रम, विस्की, शराब, ये सभी बनाए जाते हैं कवक के द्वारा। एसिड जैसे गैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ये सब के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। किसका? कवक का। यहाँ तक कि वसा के निर्माण में भी प्रयोग करते हैं। किसका? कवक का। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे देखेंगे हम लोग और इसके क्या क्या फायदे हैं। चलिए अब देखिए ये क्या करता है, ये भूमि उर्वरता में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? कवक। अब आप कहेंगे कि सर ये कवक भूमि की उर्वरता में सहायता कैसे करेगा? देखिए कवक जब मर जाते हैं, जब ये मृत हो जाते हैं, तो मृत होने के बाद ये सड़ना शुरू करते हैं और इनमें जो प्रोटीन मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है? प्रोटीन। देखिए कवक में ऐसा नहीं केवल प्रोटीन है, कवक में प्रोटीन है, कवक में थायमीन है, कवक में राइबोफ्लेमिन है, कवक में बायोटीन है और प्रोटीन है, ये सभी मौजूद हैं। किसमें मौजूद हैं? ये सभी के सभी कवक में मौजूद हैं, याद रखना है आपको। एसिड भी मौजूद है, जैसे एक एसिड है निकोटिनिक एसिड, ये सभी किसमें मौजूद हैं? ये सभी के सभी कवक में पाए जाते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन होता है मरने के बाद, इसका प्रोटीन बदल जाता है अमोनिया में। किसमें बदल जाता है? अमोनिया में। और अमोनिया क्या करता है? भूमि की उर्वरता को बढ़ा देता है। तो इस तरह कवक जो है भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग औषधि की। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा औषधि के संदर्भ में आपको एग्जाम में पूछा गया है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, जिसकी खोज 1928 में हुई और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जी हाँ, कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसकी खोज करने वाले? पेनिसिलिन की खोज करने वाले। अब देखिए जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनता है, ये दो प्रकार के कवक से बनता है। एक है पेनिसिलियम नोटेटम, देखिए इससे प्राप्त किया था। यदि पूछ दे कि किस कवक से एंटीबायोटिक बनाया था फ्लेमिंग ने, उसका नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन व्यापारिक तौर पर जो सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं वो है पेनिसिलिन क्राइजोयम। क्या है? पेनिसिलिन क्राइजोयम, जिससे बनाए हैं, क्राइजोयम या क्राइसोजियम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इससे व्यापारिक तौर पर बनाया जाता है। और फ्लेमिंग ने जिससे खोजा था उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। कब खोजा है? 1928 में। और जान लें कि ये इस संसार का सबसे पहला एंटीबायोटिक था और इसी की खोज के लिए 1945 में फ्लेमिंग को नोबल पुरस्कार भी दिया गया। जी हाँ, पूरा नाम क्या है इनका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
कब नोबल दिया गया? 1945 में दिया गया है। किस खोज के लिए? एंटीबायोटिक की खोज के लिए। ऐसा नहीं किसी केवल एंटीबायोटिक ही बनते हैं, और कई दवा है जो इससे बनते हैं, जैसे एक दवा है इरगोट, जी हाँ, क्या नाम है? इरगोट। इसके बाद बनते हैं कीटोमीन इत्यादि। कई प्रकार की दवाएं हैं जो कवक से बनाई जाती है, लेकिन आपको एग्जाम में जो पूछता है वो किसके बारे में पूछता है? वो आपको पूछता है एंटीबायोटिक के बारे में, कि सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन था? तो पेनिसिलिन था। किसने बनाया? तो फ्लेमिंग ने बनाया। किस कवक से बनाया? तो पेनिसिलियम नोटिटम से बनाया। व्यापारिक तौर पर किससे बनाया जाता है? तो व्यापारिक तौर पर बनाया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजियम से। जी हाँ, किससे? पेनिसिलियम क्राइसोजियम से। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इसके बाद क्या है कि कवक का प्रयोग रोगों के नियंत्रण में भी किया जाता है। जी हाँ, किसके नियंत्रण में? रोगों के नियंत्रण में। अब आप कहेंगे कि सर ये तो रोग फैलाता है, ये रोग का नियंत्रण कैसे कर सकता है? देखिए, यहाँ तो पहले आपका उपचार कर रहा है एंटीबायोटिक, अब रोग का नियंत्रण क्या है? पादपों का रोग नियंत्रण करता है। जैसे एक कवक है जिसका नाम है एम्फूरा, हालांकि इसके नाम का आपको जरूरत नहीं है, नाम क्या है? एम्फूरा या एम्फूसा। दूसरा है इशेरिया, ये क्या करता है? पादपों को रोग से बचाता है। जी हाँ, किसको बचाता है? पादपों को। तो ये क्या हो गया? रोग नियंत्रण की, रोग नियंत्रण का भी काम करता है कौन? कवक। इसके अलावे कुछ खोज में भी, जैसे साइटोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका विज्ञान, तो वैज्ञानिकों के द्वारा साइटोलॉजी में भी कवकों का प्रयोग किया जाता है मेटाबॉलिज्म को चेक करने में, उपापचय की क्रिया की जांच में कवक का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी थे कवक के आर्थिक महत्व या कवक के फायदे। अब देखेंगे हम लोग कवक से होने वाले नुकसान। तो दो प्रकार के नुकसान, एक जंतु रोग के रूप में और दूसरा पादप रोग के रूप में, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बात करते हैं हम लोग कवक से होने वाली हानि के बारे में। तो हानि में मेनली हम लोग क्या देखेंगे? इससे पहले रोग, और सबसे पहले देखते हैं मानवों में होने वाले रोग। देखिए, हालांकि मानवों में कवक के द्वारा होने वाले रोग का एक ट्रिक है जिसे कहते हैं गंजा दामाद खाए फ्रूट। जी हाँ, ये क्या है? ये ट्रिक है किस चीज का? कि कवकों से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ट्रिक क्या हो गया? गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब देखिए, गंजा से क्या हो गया? गंजापन हो गया। दामाद में पहले जो दाम है इससे हो गया दमा, और फिर जो दौ है इससे हो गया दाद, खा से हो गया खाज, फ्रूट से हो गया एथिल फूट। तो ये सभी बीमारियां हैं जो किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा होती है। तो गंजापन जो है ये होता है जिस कवक से, उसका नाम है टीनिया कैपिटस। देखिए, इसमें क्या होता है कि मनुष्यों के सिर के बाल गिर जाते हैं, और ये दर्द क्या होता है जिनके पास बाल नहीं है वही बता सकते हैं कि गंजापन क्या चीज है। तो गंजापन जिस कवक के कारण होता है उसका नाम क्या है? टीनिया कैपिटस। और इसमें क्या होता है? सिर के बाल गिर जाते हैं, सिर के बाल झड़ जाते हैं। कहने का अर्थ ये किसको प्रभावित कर रहा है? ये सिर को प्रभावित कर रहा है। किसको प्रभावित कर रहा है? ये सिर को प्रभावित कर रहा है। अब बात करते हैं हम लोग दमा की। तो दमा जिस कवक से होता है उसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। जी हाँ, उसका नाम क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। और ये किसको प्रभावित करेगा? फेफड़ा को प्रभावित करेगा। श्वसन में बाधा होगी। क्या होगी? श्वसन में बाधा होगी। किस बीमारी में? दमा में। और इतनी बाधा उत्पन्न होती है कभी कभी आदमी सांस नहीं ले पाने के कारण मर जाता है। किस बीमारी में? दमा में, ठीक है, जिसे लोग अस्थमा भी कहते हैं। अब अगला है दाद। अब दाद जिससे होता है उस कवक का नाम है ट्राइकोफोटान। जी हाँ, उसका नाम क्या है? ट्राइकोफोटान। इसमें क्या होता है? त्वचा पर लाल धब्बे हो जाते हैं
और उसमें खुजली होने लगती है। जी हाँ, त्वचा पर कैसे धब्बे हो जाते हैं, लाल धब्बे हो जाते हैं और उसमें खुजली होने लगती है, उसी बीमारी को क्या कहते हैं, दाद कहते हैं। अब अगला है खाज। खाज जिससे होता है उस कवक का नाम है एस्केबीज, और इसमें त्वचा पर सफेद धब्बे हो जाते हैं और इसमें खुजली होने लगती है। किस बीमारी में, खाज में। तो दाद और खाज लगभग मिलता जुलता रोग है, अंतर एक इसमें लाल धब्बा है और इसमें सफेद धब्बा है। ठीक है, अब सबसे अंतिम का जो रोग है वो है एथिल फुट, वो जिससे होता है उस कवक का नाम है टीनिया पेडिस। क्या नाम है, टीनिया पेडिस। इसमें क्या होता है, पैर में होता है और पैर की त्वचा काफी मोटी हो जाती है। किस बीमारी में, एथिल फुट में। तो ये सभी बीमारियां किससे होने वाली है, कवक से। किसमें, मानवों में। अब यही यदि हम बात करें पादपों में इससे होने वाले रोग, ठीक है, तो पादपों में काफी रोग भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक रोग है लाल विगलन, ये किसमें होता है, गन्ना में होता है और सेब में होता है। कौन सा रोग, लाल विगलन। फिर पूछेगा कीटू, तो कीटू होता है मूंगफली में। उसी तरह है टिक्का, सॉरी उल्टा हो गया, कीटू होता है गेहूं में और टिक्का होता है मूंगफली में। वहीं बाजरे में होता है स्मट रोग, सरसों में होता है रस्ट रोग, चना में होता है बिल्ट रोग इत्यादि। ये सभी रोग किसके द्वारा होते हैं, ये सभी के सभी रोग कवक के द्वारा होते हैं। किसमें, पादपों में। इतना ही नहीं, कवक के कारण कपड़े का, चमड़े की वस्तु का, कैमरे की लेंस का, कागज का इत्यादि, इन सबों का नुकसान होता है। कवक इन सभी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक बार फिर से हम दोहरा दें क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से क्या हो गया, गंजापन। टीनिया कैपिटस से होता है, सिर को प्रभावित करता है। दामाद में दो, दाम से दम्मा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से होगा और श्वसन में बाधा करेगा, फेफड़े को नुकसान पहुंचाएगा। दौ से दाद, ट्राइकोफोटान से होगा, त्वचा को प्रभावित करेगा, लाल धब्बे होंगे, खुजली होगी। खाज एस्केबीज से होगा, त्वचा को प्रभावित करेगा, सफ़ेद धब्बे होंगे और खुजली होगी। फ्रूट से एथिल फूड, टीनिया पेडिस से होगा, पैर को प्रभावित करेगा, पैर की त्वचा मोटी हो जाएगी। और वहीं पादप रोग की बात करें तो पादप में लाल विगलन, गन्ना सेब में, कीटू होगा गेहूं में, टिक्का होगा मूंगफली में, स्मट होगा बाजरा में, रस्ट होगा सरसों में, बिल्ट होगा चना में। तो ये सभी पादप रोग हैं। इसके अलावा कवक कपड़े को, चमड़े से बनी वस्तु को, कैमरे के लेंस को, कागज को, इन सभी चीज़ों को भी नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों ये थे कवक का पूरा डिटेल, और उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आपको, इवन पीसीएस बीपीएससी सबके एग्ज़ाम में भी आपको कवक से यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे तो छूटने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में जीवाणु में। और यदि